ठीक से ढंग से नहीं पहने होंगे तो फिर लोग गलत बातें करते हैं, तभी तो फिर लड़के छेड़ते हैं ऐसे ऐसे कपड़े पहनेंगे तो। जब लड़कियों ने सही कपड़े पहने होंगे तो कोई कहेगा नहीं कुछ भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वैम न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ प्रीति शंगा। अब मंदिर में भी ड्रेस कोड। इस वक्त हम भूतेश्वर मंदिर में मौजूद हैं, जहाँ पर आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। इस बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है विनम्र आग्रह है, मंदिर दर्शन के लिए जगह है, प्रदर्शन की नहीं है। श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से एक निवेदन किया गया है कि मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहन कर, यानी कि मर्यादा में रहकर ही कपड़े पहने, अन्यथा मंदिर में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। छोटे वस्त्र यानी कि हाफ पैंट ना पहने, बरमूडा ना पहने, मिनी टॉप, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट या कटी फटी जींस जिसे डैमेज जींस कहा जाता है वो पहनकर अंदर ना आए, अन्यथा आपको यहाँ पर प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। यानी कि युवतियां जो है वो सादे कपड़े पहन सकती है, सूट पहन सकती है, साड़ियां पहन सकती है। यानी कि यहाँ पर एक बोर्ड इसलिए लगाया गया है, मंदिर की तरफ से बोर्ड लगाया ताकि इस तरह के कपड़े लोग पहनकर ना आए और वातावरण बिल्कुल सही रहे। यहाँ पर एक आंटी मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आंटी आपका? सविता। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, हमने पढ़ा अभी, इसमें लिखा है कि महिलाओं को सही वस्त्र पहनकर आने चाहिए, कटे फटे नहीं पहनने चाहिए, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? सही लिखा हुआ है तो कुछ लोग यहाँ आते हैं इसीलिए लगाया गया है। कैसे वस्त्र पहनने चाहिए महिलाओं को जब मंदिर में प्रवेश करती है? तो अपनी पसंद है सबकी। फिर भी क्या पहनना चाहिए? साड़ी पहननी चाहिए, सूट पहननी चाहिए? साड़ी सूट तो सही है, साड़ी सूट सही। और पुरुषों के लिए इस तरह का बोर्ड नहीं लगाया गया है? पुरुषों के तो कपड़े सही हैं। अच्छा, हाँ। वो कटे फटे जींस नहीं पहनते? नहीं। अंशी का यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है कि महिलाओं को और युवतियों को सही कपड़े पहनने चाहिए, कटे फटे नहीं पहनने चाहिए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? अच्छा किया मंदिर में ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए ना, मर्यादा पहन के आते हैं यहाँ पर। हाँ जी, पहन के आते हैं। तो ये फैसला सही है? सही। तो क्या कुछ पहनना चाहिए महिलाओं को जो सही रहे? कुर्ती पहनो, कुर्ती के ऊपर आप जींस डाल सकते हो और लेगी वगैरह पहन लो। अभी यहाँ पर मौजूद कुछ महिलाओं से और युवती से हमने बातचीत की, दोनों का भी यही कहना था कि महिलाओं या युवती कहें उनको सही मर्यादा में रहकर यहाँ पर कपड़े पहनने चाहिए, फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पुराने नहीं कह सकते, फटे या कटे फटे या छोटे वस्त्र अमर्यादित जो भड़काऊ वस्त्र होते हैं वो नहीं पहनने चाहिए। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये भूतेश्वर मंदिर की अगर हम बात करें तो ये बहुत पुराने मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर महाशिवरात्रि की जब दिन आता है इस समय वहाँ पर सैकड़ों या हजारों की संख्या में यहाँ पर तमाम श्रद्धालु पहुँचते हैं, यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए पहुँचते हैं। रोजाना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर रोजाना लोग मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया फिलहाल अभी के मंदिर के सामने एक बोर्ड लगाया गया है, ये सिर्फ सहारनपुर के भूतेश्वर मंदिर की बात नहीं है, तमाम यूपी के अलग अलग मंदिरों में इस तरह के बोर्ड लगा दिए गए ताकि महिलाएं मर्यादित होकर इस तरह के वस्त्र ना पहने। यहाँ पर एक अंकल भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है अंकल जी? मानचंद गोयल। कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पर? लगभग 30-35 साल से ऊपर हो गए। अच्छा, यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है मंदिर में कि महिलाओं को सही कपड़े पहनने चाहिए, कटे फटे नहीं पहनने चाहिए, तो इस पर आपकी क्या राय है? बिल्कुल सही है, आई डू एग्री। अच्छे, इस तरह के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, तो पुरुषों के लिए कुछ लागू होना चाहिए? नहीं, पुरुषों के लिए भी होना चाहिए। पुरुषों के लिए ये नहीं कि वो निखर पहन करके आ जाए। जी जी, तो सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल होना चाहिए। जाएगा। अच्छा, सिखों में कोई बिना उसके जाएगा, सब उससे जाएंगे आराम से, बुरे उनकी वेशभूषा भी उसी से जाएंगे। ईसाइयों में वो बिल्कुल उसी अपने में जाते हैं, तो हमारे हिंदुओं में कोई कच्छा पहन कर रहा, कोई पहन कर रहा, हिंदू मतलब आदमी भी कच्छा निकल पहन कर। अरे भाई, महिलाओं के लिए लगाया गया है, पुरुषों के लिए नहीं लगाया? सबके लिए है ये। अच्छा, सबके लिए, महिलाओं के लिए, सबके। यहाँ आदमी भी कच्छे निकल पहन के आते हैं। आप यही है, आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा उनका? वो हाफ उसमें पहन के आएंगे मर्द लोग, आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा? जी जी, तो यह गलत, अरे गलत, हिंदुओं के अंदर थोड़ा कमी है, इसको बदलना चाहिए। जैसे और धर्म में सब उनके उनके वस्त्र निश्चित है, आप आओ छोटे वस्त्र का ध्यान दर्शन कर लो, पूरे वस्त्र का आप अंदर चल जाओ। तो अगर जो यहाँ पर अद्वस्त्र पहन के आएगा, अमर्यादित कपड़े पहन के आएगा, तो यहाँ उनको प्रवेश मिलेगा क्या? वो दर्शन कर पाएंगे? यहाँ से दर्शन कर पाएंगे, यहाँ तुम खड़े हो। अच्छा,
यहाँ दर्शन करो आप, और जो पूरे को वस्त्र पहनेगा तो आप अंदर जाओ धन को, इसमें क्या आपको परेशानी मुझे बताओ। मेरा रमानंद, तो क्या राय है आपकी इस पे बोर्ड पे? बस यही अच्छी बात है, कपड़े नियमित रूप से पहन के आने चाहिए, कटे फटे नहीं पहनने चाहिए, तो ही है, अच्छा नहीं लगता। मैं भी यही कहूँगी कि बच्चों को सही कपड़े पहन के आने चाहिए, माँ बाप को देखना चाहिए बच्चे किस जगह पर जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, तो फंक्शन बजाए जैसे। हाँ माहौल तो बिगड़ेगा जब कपड़े ठीक से ढंग से नहीं पहने होंगे, तो फिर लोग गलत बातें करते हैं, तभी तो फिर लड़के छेड़ते हैं ऐसे ऐसे कपड़े पहनेंगे, तो जब लड़कियों ने सही कपड़े पहने होंगे तो कोई कहेगा नहीं कुछ भी, तो आप सब जानते हैं, सब पता है सबको। अभी फिलहाल यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु मौजूद थे, हमने उनसे बातचीत की और राय जानने की कोशिश की। फिलहाल यहाँ पर मंदिर के मैनेजर हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहित गुजराल है। ये बोर्ड लगाया गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे सर? ये मंदिर समिति की तरफ से एक वस्त्र का मर्यादित जो बेटी बहन जो भी हमारी वस्त्र पहन के आती है उनके उपलक्ष्य में ये मंदिर समिति ने अच्छा निर्णय लिया है, जो कि मंदिर में आने वाले भक्त है वो मर्यादित वस्त्र का ध्यान रखते हुए अपना मंदिर में आए। तो क्या ये सभी पुरुषों के लिए भी लागू रहेगा, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है? महिलाओं के लिए भी, धीरे धीरे पुरुषों के लिए भी होगा ये। तो मतलब ये पुरुषों के लिए लागू नहीं किया गया है? सबके लिए लागू किया गया, जो हमारे जेंट्स हैं वो फटी हुई आदि पैंट में आते हैं या घर की जो भी पहन कर उनके ऊपर भी लागू किया गया है। तो क्या ये मतलब पूरे सहारनपुर में लागू होगा या सिर्फ यहाँ पर एक आग्रह किया गया है? क्या ये चीजें अप्लाई कर पाएंगे श्रद्धालु? सभी करेंगे, हम धीरे धीरे हम सब श्रद्धालु को भी कहेंगे और पूरे सहारनपुर में होना चाहिए, हम इसके लिए काबित है। तो फिलहाल आपने देखा कि हमने यहाँ के मैनेजर से भी बातचीत की, उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर अमर्यादित कपड़े जो पहन कर आएगा वो सिर्फ यहाँ तक दर्शन कर पाएगा, मंदिर के भीतर नहीं जा पाएगा, इसीलिए मर्यादित कपड़े पहन कर ही आप यहाँ पर पहुंचे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप देख रहे हैं सिटी वर्क।